हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गुरुकुल धाम कैंपस में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। आज हम उसके एमसीक्यू करने वाले हैं और देखते हैं कितना सीखा है, क्या समझ में आया या नहीं आया, आप भी देखना। तो राजस्थान का एकीकरण मैंने बहुत अच्छी तरह से करवा दिया है। इसके बाहर क्वेश्चन बाय द वे कोई जा सकता है, बहुत कम संभावना है बाहर जाने की। चलिए बिना समय गंवाए हम एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। राजस्थान के एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक कौन थे? एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह, जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह, भोपाल सिंह मेवाड़ महाराजा और अलवर महाराजा तेज सिंह। किसका पूछा है? एकीकरण, एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? तेज सिंह। अलवर महाराजा तेज सिंह ने एकीकरण पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किया था। शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह जो थे बीकानेर महाराजा, इन्होंने शार्दुल सिंह ने क्या किया था? शार्दुल सिंह जो थे वह भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक। कंफ्यूज नहीं होना है। एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक कौन थे? अलवर महाराजा तेज सिंह है। और भारत के विलय पत्र, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के गवर्नर जनरल, उन्होंने भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो इस पर चर्चा करने के लिए उन्होंने क्या किया था? दो प्रपत्र तैयार करवाए थे। एक था इंस्ट्रूमेंशन ऑफ एक्सेशन और दूसरा था स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। जो इंस्ट्रूमेंशन ऑफ एक्सेशन जो था उस पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। और इन्होंने हस्ताक्षर कब किए थे? 7 अगस्त 1947 को इन्होंने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो और अंतिम शासक पूछ रहे आपको कि भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम महाराजा कौन थे? तो अंतिम महाराजा कौन थे? अंतिम थे धौलपुर महाराजा। और धौलपुर महाराजा का नाम क्या था? धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह। कौन थे? उदयभान सिंह। एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले अलवर महाराजा तेज सिंह और भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? शार्दुल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली रियासत कौन सी थी? सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली रियासत कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा। तो सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन जो स्थापित करने वाली रियासत थी वह थी शाहपुरा। और शाहपुरा वर्तमान में कहां पर? भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा। और यहां के शासक कौन थे? यहां के शासक थे सुदर्शन देव। सुदर्शन देव इन्होंने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन स्थापित किया था। उत्तरदायी शासन क्या होता है? जनता की प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना उत्तरदायी शासन कहलाता है। और उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली प्रथम रियासत पूछे तो आपको शाहपुरा रियासत थी। वहां के राजा सुदर्शन देव थे, इन्होंने उत्तरदायी शासन स्थापित किया था। और आपको पूछ ले कि उत्तरदायी शासन की मांग करने पर गद्दी छोड़ने वाले शासक कौन थे? तो उत्तरदायी शासन की मांग पर गद्दी छोड़ने वाले शासक थे भरतपुर के महाराजा थे
सिंह या इन्हीं का नाम मिलता है किशन सिंह। इन्होंने उत्तरदायी शासन की मांग पर इनको क्या करना पड़ा था, अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी, 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया था। जो रियासती विभाग था, रियासती विभाग, इसका गठन कब किया गया था, 5 जुलाई 1947। और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे अध्यक्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके सचिव किसे बनाया गया था, तो सचिव जो बनाया गया था वह बनाया गया था वीपी मेनन जो है इसे सचिव बनाया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका जो मुख्यालय स्थापित किया गया था वह किया गया था नई दिल्ली। और काम क्या था, काम था रियासतों का एकीकरण करना। क्या कार्य था इसका, रियासतों का एकीकरण करना। ये इस रियासती विभाग का प्रमुख काम था। तो रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग का गठन कब किया गया था, 5 जुलाई 1947। और भारत में कुल कितनी रियासतें थी उस समय, भारत में जो रियासतें थी वह थी 565। कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी रियासत जिव्वे राज्य में शामिल नहीं थी। जिव्वे राज्य कौन से थे, जिव्वे राज्य वो राज्य कहलाते थे जब सरदार पटेल के नेतृत्व में यानी अध्यक्षता में क्या किया गया था, रियासती विभाग का गठन किया गया था। और सरदार पटेल ने ये कहा था कि वही रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है जिनकी वार्षिक आय जो है वह कितनी हो, 1 करोड़ या उससे अधिक हो, तथा जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। और इस शर्त को जो पूरा कर रही थी वह राजस्थान में 4 रियासतें पूरा कर रही थी। और इन्हीं जो रियासत को क्या कहा गया था, जिव्य राज्य कहा गया। तो जिव्य राज्य में शामिल नहीं थी, तो इसमें जयपुर शामिल थी, जोधपुर थी, उदयपुर थी। कौन से शामिल नहीं थी, कोटा शामिल नहीं थी। इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, कोटा हमारा आंसर हो गया। तो कोटा की जगह कौन सी थी, 4 रियासतें बताई थी मैंने, 4 रियासतें। और 4 रियासतों में जयपुर थी, जोधपुर थी, उदयपुर थी, और एक कौन सी थी, बीकानेर। ये 4 रियासतें क्या कहलाती थी, जिव्य राज्य कहलाती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान की निम्न में से कौन सी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। वही बात है, स्वतंत्र अस्तित्व कौन सी रियासत रख सकती थी, वही रियासत रखेगी जिनकी वार्षिक आय कितनी हो, 1 करोड़ या उससे अधिक, और जनसंख्या कितनी हो, 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या हो। और वही क्या कहलाई थी, जिव्य राज्य। तो कौन कौन सी थी, अभी हमने देखा था, जयपुर थी, जोधपुर थी, उदयपुर थी, कोटा नहीं थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इसमें टोंक है ये भी नहीं थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, ये चारों थी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। जयपुर तो थी लेकिन चित्तौड़गढ़ नहीं थी, झालावाड़ नहीं थी और शाहपुरा नहीं थी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ये 4 जो रियासतें थी अपना स्वतंत्र अस्तित्व भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार रख सकती थी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है,
राजस्थान के एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों में जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। क्या गठित की गई थी? कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में कौन सा सदस्य सम्मिलित नहीं था? यानी जो भरतपुर और धौलपुर दो रियासतें कैसे थी? जाट थी। 19 रियासतें हमने देखी थी कल, और 16 रियासतें तो राजपूत थी, दो जाट थी भरतपुर और धौलपुर, और एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। तो ये भरतपुर और धौलपुर जो जाट रियासतें थी, ये अपने भाषाई आधार पर किस में मिलना चाहती थी? यूपी में मिलना चाहती थी। कहाँ पर? यूपी में मिलना चाहती थी। और इनके लिए जनता की राय जानने के लिए यानी जनमत संग्रह करवाया गया था। किनके लिए? भरतपुर और धौलपुर के लिए क्या करवाया गया था? जनमत संग्रह, यानी जनता की राय जानी थी। जनमत संग्रह का क्या मतलब? कि जनता की राय पूछी गई थी कि आप राजस्थान में शामिल होना चाहते हो या यूपी में। तो उसके लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? उसके लिए समिति जो गठित की गई थी, वह की गई थी डॉक्टर शंकर देवराय समिति। अब ये जो डॉक्टर शंकर देवराय जो समिति थी, कौन सी समिति? डॉक्टर शंकर देव राय समिति। इस समिति का गठन किया गया था, और यह जो समिति थी इसमें सदस्य कितने थे? इसमें कुल सदस्य जो थे वह थे तीन। तीन सदस्य थे। अब इसमें यह पूछा है कि इस कमेटी में कौन सा सदस्य सम्मिलित नहीं था, नहीं पूछा है। तो डॉक्टर शंकर देवराय थे, ये तो थे इसके अध्यक्ष। डॉक्टर शंकर देवराय जो थे वो क्या थे? इस समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए इसे डॉक्टर शंकर देवराय समिति कहा जाता है। और आर के सिद्धावा भी थे, प्रभु दयाल थे। कौन नहीं था? एम एस जैन नहीं था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एम एस जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शंकर देवराय समिति का गठन धौलपुर व भरतपुर की जनता की इस बात की राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। यह समिति कितने सदस्य थी? तो अभी हमने देखा है कितने सदस्य थी? तीन सदस्य। और तीन सदस्य हमने अभी अभी देखे थे। कौन कौन से सदस्य थे? डॉक्टर शंकर देवराय, आर के सिद्धावा और कौन से थे? प्रभु दयाल। तो यह समिति कितने सदस्य हो गई? तीन सदस्य। और ये जो डॉक्टर शंकर देवराय जो थे, इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? जो चौथा चरण था, चौथे चरण में जो रियासतें शामिल कर ली गई थी, वृद्ध राजस्थान कहलाता है चौथा चरण, और उसमें चार बड़ी बड़ी रियासतें जयपुर जोधपुर और जैसलमेर को शामिल कर लिया गया था। अब मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जो थे वो तो उदयपुर को राजधानी बनाना चाहते थे, और जयपुर महाराजा मान सिंह द्वितीय जो थे वो किसको राजधानी बनाना चाहते थे? जयपुर को राजधानी बनाना चाहते थे। अब इसकी राजधानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए इन दोनों में विवाद होने लगा, इसके लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? तो यह जो समिति कहलाती है वह कहलाती है पी सत्यनारायण राव समिति। किसकी अध्यक्षता में? वी आर पटेल की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? वी आर पटेल की अध्यक्षता में। और इसी पी जो सत्यनारायण राव समिति है, कौन से समिति का गठन किया गया था? पी सत्यनारायण राव समिति। इसी समिति के सिफारिश पर जो राजधानी है, राजधानी कहां स्थापित कर दी गई थी? जयपुर। राजधानी जयपुर बनाया गया था। वन विभाग यह कहां स्थापित किया गया था? वन विभाग कोटा। खनिज विभाग
खनिज विभाग स्थापित किया गया था? उदयपुर। उदयपुर। और शिक्षा विभाग जो था, शिक्षा विभाग, यह कहाँ स्थापित किया गया था? शिक्षा निदेशालय कहाँ है? बीकानेर। बीकानेर में स्थापित किया गया था। और कृषि विभाग, कृषि विभाग जो था वह स्थापित किया गया था भरतपुर। भरतपुर, भरतपुर। और जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, ये कहाँ स्थापित कर दिया गया था? जोधपुर। उच्च न्यायालय कहाँ? जोधपुर में स्थापित कर दिया गया था। यानी राजधानी की, राजधानी जो थी उसके मुद्दे को सुलझाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? पी सत्यनारायण राव समिति। किसकी अध्यक्षता में? वी आर पटेल की अध्यक्षता में। और पी सत्यनारायण राव जो समिति है, इसी के आधार पर, सिफारिश पर राजधानी जयपुर, वन विभाग कोटा, खनिज विभाग उदयपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर और कृषि विभाग भरतपुर तथा उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? जोधपुर में स्थापित किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की रियासतों के विलय के लिए रियासती विभाग का गठन किया गया था, इस विभाग के सचिव कौन थे? तो रियासती विभाग का गठन कब किया गया था? अभी हमने देखा था 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया था। और इसके क्या पूछा है हमें? सचिव पूछा है, रियासती विभाग के सचिव कौन थे? तो सचिव थे वीपी मेनन। और सरदार पटेल कौन थे? सरदार पटेल थे रियासती विभाग के अध्यक्ष। और फजल अली, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। और आर के सिद्धावा ये कौन थे? ये थे शंकर देवराय समिति के सदस्य। तीन सदस्य थे ना, शंकर देव राय समिति के सदस्य थे, समिति के सदस्य शंकर देवराय तो इसके अध्यक्ष थे। तो इसके सचिव कौन थे? वीपी मेनन। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो मुस्लिम रियासतें, मुस्लिम जो रियासत थी वह कौन सी थी? टोंक। एकीकरण पूर्ण हुआ, एकीकरण पूरा कब हुआ था? सातवें चरण में 1 नवंबर 1956। एकीकरण प्रारंभ हुआ, प्रारंभ कब हुआ? 8 मार्च 1948 को। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो कौन कौन सा हो गया हमारा? ए में दो, ए में दो, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो या तो बी होगा या डी होगा, ए में दो और बी में एक, बी में एक। हमारा आंसर क्या होगा? डी, 2 1 4 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस शासक को प्रथम चरण में राज प्रमुख बनाया गया? पहला चरण जो हुआ था उसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो प्रथम जो चरण हुआ था, प्रथम चरण कब हुआ? तो हमें पता है 18 मार्च 1948। नाम क्या था इसका? नाम था मत्स्य संघ। के एम मुंश के कहने पर रखा गया था इसका नाम मत्स्य संघ। और इसमें सम्मिलित रियासतें कितने थी? सम्मिलित रियासतें कितनी थी? 4 रियासतें और एक ठिकाना। और 4 रियासतें कौन कौन सी थी? ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। 4 तो रियासतें हो गई और एक ठिकाना, और ठिकाना कौन सा था? यह जो ठिकाना था वह था निमराना। वर्तमान में कहां पर? अलवर में। निमराना इसका ठिकाना था। इसमें हमें क्या पूछा है? राजप्रमुख पूछा है। तो राजप्रमुख किसे बनाया गया था?
धौलपुर नरेश उदय भान सिंह को बनाया गया था। और राजधानी किसको बनाया गया? राजधानी अलवर को बनाया गया था। राजधानी जो थी वह अलवर। कल हमने देखा था कि एकमात्र प्रथम चरण ऐसा है जिसमें राजधानी तो अलग है और राजप्रमुख अलग है। राजधानी तो अलवर को बना दी गई, लेकिन राजप्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर नरेश उदय भान सिंह को बनाया गया था। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि जो महात्मा गांधी की हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को, किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे। और नाथूराम गोडसे जो है वह महात्मा गांधी की हत्या के 3 माह पहले कहाँ जाकर इस अलवर महाराजा तेज सिंह जो थे उनसे मुलाकात की थी, और उनका प्रधानमंत्री भी था एनबी खरे। इन दोनों से परचूरे जो स्थान है अलवर में पड़ता है, वहां पर इनसे मुलाकात की थी। इसलिए इनको भारत सरकार ने क्या कर लिया था, अलवर महाराजा तेज सिंह को कैद कर लिया गया था। इसलिए इसको जो राजप्रमुख है वो किसे बनाया गया था? उदय भान सिंह को बनाया गया था। और करौली के जो गणेश पाल सिंह जो थे ये थे उपराजप्रमुख। ये क्या थे? उपराजप्रमुख। और जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे? एसजीएमएच बताया था कल, तो शोभा राम कुमावत अलवर के थे ये, कुमावत। और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? उद्घाटन कहाँ हुआ था? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में। भरतपुर का कौन सा दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग। यहां पर इसका क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता, तो उद्घाटनकर्ता जो थे वो थे एन वी गोडगिल चाचा पटेल, कल बताया था ना, तो नरहरि विष्णु गोडगिल। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया? उदय भान सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मत्स्य संघ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है मत्स्य संघ जो प्रथम चरण था उसके बारे में असत्य कथन। तो मत्स्य संघ जो था उसकी राजधानी धौलपुर थी। धौलपुर थी क्या? इसकी राजधानी धौलपुर नहीं थी। तो राजधानी कौन सी थी? राजधानी इसकी थी अलवर। तो ये हमारा असत्य कथन हो गया। और असत्य ही हमें पूछा है। मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ। सही बात है, 18 मार्च 1948 को ही हुआ था। मत्स्य संघ का उद्घाटन एनवी गोडगिल, अभी देखा है हमने एनवी गोडगिल ने किया था, ये भी सही है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। सारी बातें सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? मत्स्य संघ की राजधानी धौलपुर नहीं थी, क्या थी? अलवर थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। मत्स्य संघ, मत्स्य जो संघ था प्रथम संघ चरण था। और मत्स्य संघ कब हुआ? मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। राजस्थान संघ दूसरा था, और दूसरा कितने दिन बाद? 7 दिन बाद, तो 25 मार्च 1948। संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण था 18 अप्रैल 1948, और वृद्ध राजस्थान 30 मार्च 1948। तो पहले में क्या है? एक दो तीन और चार, इस आधार पर देखो तो पहले में क्या है? 3 ए में 3, तो ये नहीं हो सकता, और ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो या तो बी में से है या डी में से है। तो ए में 3 और बी में चार, हमारा आंसर क्या हो गया? बी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, सूची प्रथम को द्वितीय सूची से मिलान कीजिए और सही कूट का के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मत्स्य संघ एक तरफ चरण है और दूसरे तरफ क्या है? प्रधानमंत्री। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री हमने बताया था SGMH। एस से क्या? शोभाराम कुमावत। जी से गोकुलदास सवा, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। तो पहला चरण था मत्स्य संघ, तो शोभाराम कुमावत। एस संयुक्त राजस्थान,
संयुक्त राजस्थान हमारा तीसरा चरण था और माणिक्यलाल वर्मा तीसरे चरण के कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। और राजस्थान संघ ये दो नंबर कीजिए, इसको इसको तीन और इसको चार। राजस्थान संघ और राजस्थान संघ दूसरा चरण था गोकुल लाल असावा, सही है ये भी। और वृद्ध राजस्थान के थे हीरालाल शास्त्री। तो हमारे आंसर हो गए एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, आंसर क्या हो गया एक दो तीन और चार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए यह कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ये किसने कहा था? ये तो आपको पता ही है किसने कहा था, ये कहा था बांसवाड़ा महाराजा चंद्रवीर सिंह ने। किसने कहा था? बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वृत्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो वृत्त राजस्थान कौन सा है? चौथा चरण है और चौथे चरण के कौन थे? SGMH हीरालाल शास्त्री। कौन थे? सॉरी ये प्रधानमंत्री बता दिया मैंने, सॉरी उद्घाटनकर्ता पूछा है और उद्घाटनकर्ता कौन थे? गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल चाचा पटेल। तो चौथा चरण कौन सा था? वृद्ध जो राजस्थान है यह कौन सा चरण था? चौथा चरण। तो कौन थे? पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। शोभाराम कुमावत कौन थे? शोभाराम कुमावत जो थे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। मत्स्य संघ जो था इसके क्या थे? प्रधानमंत्री थे। एनवी गोडगिल जो थे यह पहले चरण के भी थे और दूसरे चरण के भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल चौथे चरण के और पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके? तीसरे चरण के। और तीसरा चरण कौन सा था? तीसरा जो चरण था उसका नाम था संयुक्त राजस्थान। क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। अगला हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जो रियासत थी वह थी जयपुर। मारवाड़ क्या थी? मारवाड़ जो थी यह थी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी जो रियासत थी वह कौन सी थी? मारवाड़। शाहपुरा जो थी वह जनसंख्या जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही आधार पर क्या थी? छोटी रियासत। सबसे छोटी पूछ ले, जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले या क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले, कौन सी थी? शाहपुरा। मेवाड़ क्या थी? मेवाड़ थी राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। और झालावाड़ सबसे नवीन रियासत। अंग्रेजों द्वारा स्थापित एकमात्र जो रियासत थी वह थी झालावाड़। 1838 में झाला मदन सिंह के द्वारा इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? जयपुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजस्थान में सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन करके बुलाया गया। किसने बुलाया गया था ये सम्मेलन? तो राजस्थान यूनियन जो गठन किया गया था वह किया गया था मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। मेवाड़ जो महाराणा थे उनका नाम था भूपाल सिंह। ये कौन सा संघ बनाना चाहते थे? जो मालवा गुजरात और राजपूताना इनके छोटे बड़े 22 राजाओं को मिलाकर संघ बनाने का प्रयास किया था, लेकिन ये इनका प्रयास है वह सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो जयपुर
जोधपुर और जो बीकानेर थी, इन्होंने साफ इनकार कर दिया और इनका जो ये जो संघ बनाने का प्रयास है वह असफल हो गया। जयपुर महाराणा कौन थे? जयपुर जो महाराणा थे वह थे सवाई मानसिंह द्वितीय। और इन्होंने क्या प्रयास किया था? इन्होंने जो संघ बनाने का प्रयास किया था वह किया था राजपुताना संघ, राजपुताना जो संघ बनाने का प्रयास किया था वह किया था किसके द्वारा? जयपुर महाराणा। और कोटा महाराव क्या बनाना चाहते थे? कोटा महाराव जो थे वह थे भीम सिंह। और ये कौन सा संघ बनाना चाहते थे? यह बनाना चाहते थे हाड़ौती संघ, हाड़ौती संघ। और जो डूंगरपुर महारावल कौन थे? लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। और ये जो डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह जो थे ये कौन सा संघ बनाना चाहते थे? ये बनाना चाहते थे वागड़ संघ। ये सारे के सारे संघ है वह असफल हो गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी? 25 मार्च को कौन सा संघ बनाया गया था? राजस्थान संघ दूसरा चरण। और जिस रियासत का विलय हुआ, 9 रियासतें शामिल की गई थी और 9 रियासतें कौन कौन सी थी? 9 रियासतें थी बाबूसा, पक्की झाड़ू को टोंक से कहां ले गए? कुशलगढ़ ले गए, कुशलगढ़ ले गए। बाबूसा पक्की झाड़ू को कहां ले गए? टोंक से कुशलगढ़ ले गए। 9 रियासतें बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा और टोंक। ये 9 रियासतें हो गई और ये एक क्या हो गया? ठिकाना। और इनको मिलाकर क्या निर्मित किया गया था? राजस्थान संघ निर्मित किया गया। देख लो कौन सी नहीं थी? सिरोही नहीं थी। सिरोही का तो छठे और सातवें चरण में हुआ था। छठे चरण में तो सिरोही को शामिल कर लिया गया था, लेकिन किसको शामिल नहीं किया गया था? आबू और दिलवाड़ा को छोड़ दिया गया था। भरतपुर, भरतपुर थी वह प्रथम चरण में थी, यह भी नहीं थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली प्रथम चरण में, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ थी। और अलवर कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये भी प्रथम चरण में थी, तो ये भी नहीं थी। तो कौन सी हो गई? प्रतापगढ़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तमान राजस्थान का निर्माण कितने चरणों में हुआ? सभी जानते हो कितने चरणों में निर्माण हुआ था, कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। 7 चरण कौन कौन से थे? पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। दूसरा चरण राजस्थान संघ, या इसे ही कहते हैं पूर्वी राजस्थान संघ। और तीसरा जो चरण था वह था मेवाड़ जोड़ा गया था, और जोड़ने को क्या कहते हैं? संयुक्त। तो इसका नाम क्या हो गया? संयुक्त राजस्थान। और चौथा जो चरण था वह था वृद्ध राजस्थान, वृद्ध राजस्थान। और पांचवा जो चरण था वह था संयुक्त वृद्ध राजस्थान, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। और छठा जो चरण था वह था राजस्थान, कानूनी रूप से राजस्थान नाम स्वीकार कर लिया गया था छठे चरण में। और सातवां जो चरण था वर्तमान राजस्थान जो अस्तित्व में आया था, वर्तमान राजस्थान वह कब अस्तित्व में आ गया था? वह अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956। तो मत्स्य संघ पहला चरण कब हुआ था? कल बताया था 18 मार्च 1948। दूसरा चरण इसके 7 दिन बाद
25 मार्च 1948, और तीसरा चरण इस पहले के एक महीने बाद 18 अप्रैल 1948, और चौथा जो चरण था 30 मार्च 1949, और पांचवा जो चरण था पांचवे महीने की 15 मई 1949, और छठा जो चरण था वह था 26 जनवरी 1950, और सातवां चरण कब था 1 नवंबर 1956, कब था 1 नवंबर 1956। तो पहला चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, तीन चरण 1948 को हुए थे, पहला दूसरा और तीसरा, और पहला कब 18 मार्च 1948, उसके सात दिन बाद 25 मार्च 1948 को दूसरा, तीसरा कितने दिन बाद, एक महीने बाद पहले के 18 अप्रैल 1948, और चौथा 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च 1949, और उसके बाद संयुक्त वृद्ध जो राजस्थान था 15 मई 1949, और 26 जनवरी 1950, छठे चरण में राजस्थान का नाम कानूनी रूप से राजस्थान स्वीकार कर लिया गया, और वर्तमान राजस्थान हमारा कब अस्तित्व में आया, 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। मत्स्य संघ और पूर्व की जो रियासतें थी नौ वो शामिल की गई थी, इसलिए पूर्वी राजस्थान संघ या राजस्थान संघ कहा जाता है। संयुक्त राजस्थान मेवाड़ शामिल किया गया था इसमें, इसलिए जोड़ने को क्या कहते हैं, संयुक्त, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, संयुक्त राजस्थान। और चार बड़ी बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, ये शामिल की गई थी चौथे चरण में, और वृद्ध राजस्थान इसको कहा गया। चार बड़ी बड़ी रियासतें थी इसलिए इसका नाम क्या हो गया, वृद्ध राजस्थान इसका नाम हो गया, और संयुक्त वृद्ध राजस्थान। जो ये जो मत्स्य संघ बनाया गया था पहला, ये पांचवें चरण में जोड़ा गया था शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर, जनमत संग्रह करवाया गया था और उसके द्वारा ये जोड़ा गया था, इसलिए जोड़ने को क्या कहते हैं, संयुक्त, और इसका नाम क्या हो गया, संयुक्त वृद्ध राजस्थान इसका नाम हो गया, और कानूनी रूप से राजस्थान नाम स्वीकार कर लिया गया 26 जनवरी 1950 को। हमारा भारतीय संविधान भी इसी दिन लागू हुआ था, और वर्तमान जो राजस्थान है वह अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजस्थान एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। ये क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे रियासती विभाग के अध्यक्ष, रियासती विभाग के अध्यक्ष। ये जो गठन किया गया था 5 जुलाई 1947 को, कहाँ पर, मुख्यालय नई दिल्ली, और अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये जो इन्होंने तीसरा चरण, और तीसरे चरण का नाम क्या था, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। और हीरालाल शास्त्री जो थे SGMH, इन्होंने वृद्ध जो राजस्थान था, चौथा चरण वृद्ध राजस्थान इसका उद्घाटन किया था। और माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन एकीकरण के समय क्या थे, भारत के गवर्नर, भारत के गवर्नर, भारत के गवर्नर जो थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो गवर्नर थे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपको पूछ ले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे एकीकरण के समय, तो क्या जवाब दोगे, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। प्रधानमंत्री कौन थे, कहाँ के, ब्रिटेन के, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राजस्थान में, संयुक्त राजस्थान हमारा तीसरा चरण है, उदयपुर को शामिल किया गया था। संयुक्त राजस्थान में किस रियासत का विलय किया गया था, तो उदयपुर का। जयपुर का किसमें शामिल किया गया था, चौथे चरण में, जोधपुर चौथे चरण में, और बीकानेर चौथे चरण में। जयपुर, जोधपुर और एक थी जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये चारों चौथे चरण में थी। और ये संयुक्त राजस्थान यानी तीसरे चरण में किसको शामिल किया गया था, उदयपुर को शामिल किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
राजस्थान की कौन सी रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? तो पाकिस्तान में मिलना कौन सी रियासत चाहती थी? पाकिस्तान में मिलना चाहते थे जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह, तो कौन सी रियासत हो गई? जोधपुर। और जोधपुर के जो महाराजा थे, महाराजा कौन थे? हनुमंत सिंह। और इनका जो ये जोधपुर जो मिलने की योजना बनाई गई थी, इस योजना का पर्दाफाश किसने किया था? तो इनकी इस योजना का जो पर्दाफाश किया था, पर्दाफाश इसकी योजना का पर्दाफाश किया था, वह किया था सुमनेश जोशी ने। सुमनेश जोशी ने अपना इनका समाचार पत्र था, उसका नाम था रियासती। रियासती इस रियासती नामक समाचार पत्र के माध्यम से इनकी जो योजना है इसका पर्दाफाश किया था समाचार पत्र के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? तो कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कितने? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ये आपको याद रखना है, एकीकरण में कुल कितना, कहाँ से शुरू हुआ था? 18 मार्च 1948, ये इसका प्रथम चरण था। और सातवां जो चरण था वह कौन सा था? 1 नवंबर 1956। और कुल कितना समय? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से वृद्ध राजस्थान में किस रियासत का विलय नहीं हुआ? नहीं हुआ पूछा है। वृद्ध राजस्थान कौन सा? चौथा चरण है। तो चौथे चरण में कौन सी रियासत थी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो कौन सी नहीं थी? अजमेर नहीं थी। अजमेर का जो विलय किया गया था वह कौन से चरण में किया गया था? अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था एकमात्र, और इसका जो विलय किया गया था 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को इसका विलय किया गया था और पुनर्गठन आयोग जो गठित किया गया था उसी की सिफारिश पर सातवां संविधान संशोधन किया गया था, और सातवें संविधान संशोधन के द्वारा और अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, रियासती संघ है एक तरफ और दूसरा राजस्थान में विलय की तिथि। तो उदयपुर, उदयपुर को तीसरा चरण था, और तीसरा चरण कब था? तीसरा जो चरण था हमारा वह था 18 अप्रैल 1948। तो पहले में क्या है? चार नंबर, ये एक बार में ही आ गया हमारा चार नंबर, बाकी का हमें देखना ही नहीं पड़ा। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा कब? 1 नवंबर 1956। दो, ये दो हो गया। और मत्स्य संघ कौन सा? पहला 18 मार्च 1948। तीन, और जैसलमेर, जैसलमेर चौथा चरण था 30 मार्च 1949। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4 2 3 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, फिर से एकीकरण के समय शासक है और एक तरफ है रियासत। तो जैसलमेर के महाराजा कौन थे? तो हमें जैसलमेर का तो ध्यान में नहीं है, पहले जो याद है ना ध्यान में आपको उसको मिलाओ पहले। और ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो फ्री के नंबर होते हैं, एकदम से एक दो भी आ जाते हैं तो उससे हमारा काम बन जाता है। हमने देखा था कि मत्स्य संघ जो था प्रथम चरण, उसके जो राज प्रमुख कौन बनाए गए थे? राज प्रमुख बनाए गए थे धौलपुर नरेश उदय बांसिंह, तो ये हमें आता है। तो धौलपुर के कौन थे? उदय बांसिंह। तो डी में क्या है? चार, डी में चार है, तो हमारा ये सी नहीं हो सकता और ये डी ए नहीं हो सकता, ये दो तो नहीं हो सकता, या तो ए हो सकता है या हमारा बी हो सकता है। बूंदी के कौन थे? बूंदी के हमें पता है, बूंदी के थे बहादुर सिंह। तो सी में क्या है? दो है, और सी में दो, ये हमारा हो गया आंसर। सिरोही के कौन थे? सिरोही के थे अभय सिंह, और जैसलमेर के कौन थे? जैसलमेर के थे रघुनाथ सिंह। तो एक और पहले के तीन सही है, और दूसरे के एक दो और चार, ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संवैधानिक रूप से, बहुत बार रट लिया है हमने कि संवैधानिक रूप से राजस्थान का नाम कब अस्तित्व में आया,
तो संवैधानिक रूप से कब हुआ? छठे चरण में। और छठा चरण कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 26 जनवरी 1950। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह है एवं मंत्री रामामूर्ति मेवाड़ के लाखों लोगों के भाग्य का निर्धारण अकेले नहीं कर सकते, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन है माणिक्य लाल वर्मा का। माणिक्य लाल वर्मा ने कहा कि मेवाड़ महाराणा जो भूपाल सिंह है और मंत्री रामामूर्ति मेवाड़ के लाखों लोगों के भाग्य का निर्धारण यानी अकेले फैसले नहीं ले सकते हैं, ये जो थे मेवाड़ महाराणा तीसरे चरण के जो SGM यानी प्रधानमंत्री थे माणिक्य लाल वर्मा, ये कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये इतने ही क्वेश्चन थे, तो आशा करती हूँ मैं आपको एकदम समझ में आया होगा। एकीकरण हमारा विस्तार से हमने पूरा कर लिया है। कोई अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बताना। थैंक यू वेरी मच।